हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका दोस्त आपका होस्ट फिर दोबारा आपके सामने आ चुका है एक और नई वीडियो लेके। और आज हमारी वीडियो है गाड़ी के इंटीरियर को क्लीनिंग के बारे में, और गाड़ी कैसे सफाई करी जाती है, कैसे इसको ड्रैग क्लीन किया जाता है, पूरी नॉलेजेबल वीडियो है। मेरे पास वीडियो बहुत पुरानी पड़ी हुई थी लेकिन नॉलेजेबल थी कि क्या करवाना चाहिए आपको गाड़ी के अंदर में, कैसे सफाई करानी चाहिए। तो आगे वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत नॉलेजेबल वीडियो है। हाँ जी उस्ताद जी, इसमें ये बताओ कि हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या कवर करेंगे ट्रैक क्लीन के अंदर में। हम इसमें ट्रैक क्लीन में आपकी सारी सीटें, ठीक है, छत हो जाएगी हमारी, दरवाजे, डैशबोर्ड, ठीक है, चारों डोर हो गया, डैशबोर्ड हो गया है, जितने भी फेंडर है प्लास्टिक वाले, ठीक है, साइड है, ये होगी। हालत कैसी लग रही है इस टाइम भी? बहुत ही गंदी हालत है, उसको बिल्कुल टिच बनाने वाले है। और इसके अंदर में और पीछे जो हमारा होता है, जो पीछे लगे होते हैं डैश पे बोर्ड लगा होता है पीछे वाला, जिसमें स्पीकर लगे होते हैं, वो भी कवर, वो भी होएगा, ठीक है। तो अभी जो है इसके अंदर में कौन सी केमिकल करने वाले हैं, इसके अंदर में जी कौन सा केमिकल यूज करेंगे? 3mm का, जो सबसे अच्छा केमिकल माना जाता है, सबसे बेस्ट केमिकल। और उससे कोई साइड इफेक्ट, कोई सीड में कुछ साइड इफेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं? हाँ, कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो उस्ताद जी स्टार्ट कर दो, दिखा दो हमें। वो आ गए भाई हमारे यहाँ पे बीच में, ये मोहम्मद फयाज, और ये करने वाले ड्राई क्लीन। ड्राई क्लीन से पहले भाई बता दो सीट की हालत क्या हालत है, दिखाई दो। शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत कर दी है छत से, छत को चमकाया जा रहा है। एक साइड आपको दिखाए तो ये देखो, ये ऐसी है और ये ऐसा है। अच्छा, इसमें ब्रश मारेंगे तो क्या होता है, इससे ब्रश मारने पे कपड़ा उखड़ जाएगा, कपड़ा उखड़ जाएगा। और बहुत से लोग जो ब्रश मार देते हैं वो, उनको क्या बोलना चाहिए, कपड़ा की ब्रश ना मारे उसके, क्योंकि कपड़ा उखड़ने के चांसेस रहते हैं बहुत ज्यादा। ये देख रहे हो आप, ये सारे एक एक पॉइंट को जो है क्लियर किया जा रहा है। छत पे भी कोई भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी जो आपको वहाँ क्लियर नहीं करके देगी, क्योंकि ना बहुत से लोग होते हैं जो इन जो पॉइंट्स होते हैं ना उनको छोड़ देते हैं। ये देखो, ये लड़का यहाँ पर जो है सारी की सारी गाड़ी को पूरा कवर करा जाएगा। अब केमिकल लगा के इसके ऊपर में किया जा रहा है, सूखे कपड़े से साफ इसको। अब देख लो पूरा क्लीन, देखो कितनी ज़्यादा हो चुकी है अभी। अब जब ये सूख जाएगी तो उसमें और ज्यादा क्लीन हो जाएगी सूखने के बाद में। ये स्टार्ट हो गई है सीट की, ये देखो कितना ज्यादा गंद निकल रहा है इसके अंदर से। अब रिजल्ट तो कल सुबह पता चल पाएगा सूखने के बाद में कि कितनी साफ हुई है। हालत तो आपने देख ही ली थी इसकी, रिजल्ट कितना आ जाएगा इसका? हाँ, क्या रिजल्ट आ जाएगा इसका सूखने के बाद में? बिल्कुल साफ, क्या बिल्कुल साफ ही रहेगा, बिल्कुल साफ। सारा मैल है। हाँ, सारा मैल ही है ये। हाँ बेटा, जरा काम करते हो तो पता नहीं है, काम करते तो भी पता है। अब इसमें दो टाइप की रबिंग लगा रही है, उसके बारे में भैया बताएंगे, भैया बताओ। क्रीमिश है और एक आपका येलोइश कलर है, जो एक क्रीमिश है और एक येलो है, ये पतली रबिंग है, दोनों एक साथ चल रही है, स्क्रैचेस ज्यादा है। अच्छा, कम स्क्रैचेस होते तो ये सिंगल चलती, सिंगल चलती। सिंगल कौन सी चलती? व्हाइट वाली, व्हाइट वाली। हाँ ठीक, ओके, चलो भैया स्टार्ट हो जाओ। तो भाई अब हो गया वॉशिंग स्टार्ट, ड्राई क्लीन हो गई है इसकी पूरी, और रबिंग भी हो गई है। रबिंग करने के बाद में अंदर शैम्पू करके अब ये वॉशिंग के अंदर वॉशिंग कर रहे हैं इसमें।
कुछ हो गया है, सब कुछ वॉशिंग वगैरह होगी। अब ये 3 mm की जो है पॉलिश लग रही है, ये लगाने में लग गए लड़के, और इसको करते करते कितने घंटे हो गए, 4 घंटे, क्योंकि हालत मेरी गाड़ी की सच में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इन्होंने इतनी मेहनत से, 4 लड़के लगे हुए थे इस गाड़ी को करने में, और गाड़ी की हालत बिल्कुल लुक पूरा का पूरा चेंज कर दी, ये देख रहे हो लग रही है गाड़ी। अभी रास्ते लेके निकलूंगा तो देखने लायक लग रही है गाड़ी भैया। ये है जो भैया हमारे, जो रॉयल कार स्पा के नाम से इनका पूरा वो है सेटअप। हेलो एवरीवन। और अभी भैया मैं ना बात कर रहा था, आपके लड़कों से भी बात करी थी मैंने, कि ना हमें गाड़ी की कब कब ये सर्विसिंग करवानी चाहिए, जैसे मान लो 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, कब होना चाहिए? उन्होंने कहा कि 6 महीने का वो, 5 से 6 महीने के अंदर हम करना चाहिए। 6 महीने के अंदर आपकी पूरी गाड़ी डिटेलिंग मांगती है। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि जितने भी कॉर्नर्स के पॉइंट है जहाँ पे डस्ट पार्ट या फिर जहाँ जंग लग जाता है, हमारे जो वॉशिंग है स्टीम वॉश और प्रेशर वॉश, इससे आपके डस्ट पार्ट जो भी है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। okay. और आपके जो जहाँ कॉर्नर्स में जंग लगता है वो जगह क्लीन हो जाएगी, तो आपकी गाड़ी की डिटेलिंग हो जाएगी, और ये बहुत मस्ट है गाड़ी के लिए। बिल्कुल मस्ट है, क्योंकि ना जंग अगर गाड़ी पकड़ लेती है ना, वो धीरे धीरे पूरी बॉडी को डैमेज कर ही देती है, और ड्राई क्लीन भी करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना अगर तुम्हें अंदर से बैठे हुए गाड़ी क्लीन नहीं लगेगी, डस्ट जाती है, मुंह में कुछ जाता है, प्रॉपर वो नहीं होगा, तो वो भी बेकार है। तो ये बहुत मैंडेटरी है कि आपको हर 5 महीने में, 6 महीने में गाड़ी को अपनी वॉशिंग करवा, वॉशिंग तो हर महीने करवानी चाहिए मेरे ख्याल से, वॉशिंग तो आपको हर महीने वॉशिंग करवाएं, प्लस अंदर की ड्राई क्लीनिंग भी करवाएं टाइमली, जिससे कि आपकी गाड़ी नीट एंड क्लीन और हाइजीनिक रहे। तो ये थोड़ा सा टिप्स हैं जिसका आप प्लीज़ ध्यान रखिए गाड़ी के लिए। ऑप्सो आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लेना, और कमेंट करके बताना कि अगली बार कौन सी डिटेलिंग के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, और भैया के पास में आना, थोड़ा सा मेरा रेफरेंस ले लेना, ठीक है भैया, थोड़ा डिस्काउंट कर देना हमारी जनता के लिए, ठीक है जी। ओके, बाय बाय, टाटा।